बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आबिद इस्माइल वीकली रैपअप के साथ हाजिर है। इस वीक की क्लोजिंग अगेन एक बुलिश नोट पे हुई है। जिस तरह आप जो है कंटिन्यूसली देख रहे हैं कि मार्केट यहाँ बुलिश नोट पे क्लोज हो रही, वीक ऑन वीक बेसिस पे देखें तो एक ये यहाँ की कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे मैंने कहा था थोड़ा केयरफुल रहें। ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, जब तक कोई इंडिकेशन नहीं मिलती है बुलिश या बेरिश की तो उस पर कोई एंट्री नहीं लेनी चाहिए। तो देखें एक बुलिश कैंडल फॉर्म हुई, फिर अगेन यहाँ ये समझे ये था वीक 25 मार्च से लेके 29 मार्च तक का, ये यहाँ पे बुलिश कैंडल हुई और फिर अगेन ये इसकी जो है निगेशन हुई इसकी के यहाँ पे ये, क्योंकि यहाँ पे ये मुझे पुरानी जो वीडियो जो मुझे फॉलो कर रहे हैं उन्होंने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी, पुरानी वीडियो, तो उसमें मैंने ये कहा था देखें यहाँ पे हल्का सा डाइवर्जेंस भी आ रहा है वीकली पे, तो थोड़ा कॉशियस रह के काम करें जब तक कि कोई देखें। मैं हमेशा कन्फर्मेशन का कायल होता हूँ, किसी भी कैंडल की निगेशन फिर उस निगेशन की कंफर्मेशन या अगेन निगेशन। तो ये देखें ना यहाँ पे देखें कैंडल, फिर इसके बाद ये डोजी डोजी होते हैं तो वहाँ पे साइडवेज हो जाया करें। देखें फिर ये यहाँ पे डोजी के बाद ये बेरिश बनी, फिर अगेन बुलिश ने इसको निगेट किया, फिर एक अगेन नेक्स्ट कैंडल ने इसको कन्फर्म किया, फिर यहाँ साइडवेज हो गई। तो इस तरह से मार्केट जो है वो परफॉर्म कर रही है। मैं आपको एक चलिए आपको मैं एक इंडिकेटर बताता हूँ जिसको मैं एक तरह से कहते हैं टेक्निकल जो है चार्ट का रेलवे लाइन, इसको मैं इसका नाम दिया है क्योंकि वो इंडिकेटर ऐसे ही काम करता है। बस फर्क सिर्फ ये है कि वो पाकिस्तानी रेलवे की जो रेलवे लाइन उसी तरह ही है, तो वो पटरी से कभी गाड़ी उतर जाती है कभी चढ़ जाती है। ये है MA5 मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज कह लें या मूविंग एवरेज, यहाँ 5 प्लॉट करेंगे ठीक है। तो ये देखें ना यहाँ गाड़ी पटरी से उतरी फिर चढ़ी फिर उतरी, तो ये जो हम उसको कहेंगे कंसोलिडेशन ठीक है ना। ये कंसोलिडेशन का फेज था काफी बड़ा, चला यहाँ पे समझे ये यहाँ से ये इस लेवल से लेके और डाउन साइड पे इस लेवल तक 48,697 से लेके 38,412। तो ये वीकली पे देखें तो 10,000 का तकरीबन यहाँ पे ये फर्क आ रहा था, 48 और 38 अच्छा खासा फर्क है ठीक है ना। फिर यही इसी का ब्रेकआउट हुआ या हल्का सा ब्रेकआउट हुआ, ऐसी कंफर्मेशन हुई, फिर मार्केट ने अपसाइड मूवमेंट दिखाई। तो इसको आप प्लॉट करके देख लिया करें ठीक है ना। तो ये कंसोलिडेशन फेज होता है, ये इसका मिडिल एरिया ले लें ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन 43,300 ठीक है ना। यहाँ पर भी मैं जो नए आने वाले उनको समझने में आसानी हो जाएगी, ये वाला एरिया जो है ये आप मिडिल बैंड इसका ले लें। तो ये इन बैंड में जो है मार्केट परफॉर्म करती रही है, और वही मैंने आपको बताया ना कि MA5 ठीक है ना, ये इंडिकेटर आप जो प्लॉट कर लिया करें तो आपको इसमें ट्रेड करने में आसानी होगी। देखिए अभी इसी के रेलवे लाइन के साथ ही चल रही है ये पूरी, ये MA5 के अकॉर्डिंगली चल रही है मार्केट। यहाँ पे देखें थोड़ा सा ये नीचे की तरफ है, डोजी बना और डोजी के बाद फिर अकेले इसका डबल बॉटम भी बना ठीक है ना यहाँ ठीक है ना। और यहीं पे मैंने अभी शॉर्ट वीडियो आपके साथ दोबारा मैंने शेयर किए ग्रुप में, शॉर्ट वीडियो बनाई थी मैंने, कहा ये जैसे यहाँ पे मार्केट ने अपसेट परफॉर्म किया, ये एक पहला बुलिश लेग ये हुआ, ये फ्लैग बना, जब ब्रेकआउट हुआ तो ये फ्लैग इसको जो है कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट इसी तरह यहाँ से ये अपर साइड पे मूवमेंट दिखाई, फिर ये एक फ्लैग बना ठीक है, फिर अगेन हो सकता है यहाँ पे कहीं जाके फिर ये फ्लैग बने तो फिर मजीद अपसाइड मूवमेंट दिखा सकती है मार्केट। इस वक्त आ रहे से देखें तो 676 पे ऑब्वियसली ओवरबॉट जोन में है, एंटर पहले ही हो चुकी, 70 पे मैंने बोला तो ओवरबॉट पर जोन पे है, लेकिन जाहिर सी बात है मैंने मेरा इंडिकेटर मैं पहले भी कह चुका हूँ अभी भी कह रहा हूँ जो है वो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, और अल्हम्दुलिल्लाह 10 ट्रिलियन रुपीज का या 10,000 बिलियन रुपीज का जो अगला बेंच मार्क जो मैंने सेट किया था वो अल्हम्दुलिल्लाह अचीव हो गया है। और अगर इसी तरह जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट अगर हम देखते रहे, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट काफी आ रही है और लोकल इन्वेस्टमेंट भी हो रही है, और इंडिविजुअल भी जो है वो अभी भी इतनी तेज मार्केट को देख के घबराए नहीं, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए जो है कम से कम इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये देखे ना जब अपसाइड पे मार्केट होती है तो कोई बाउंड्रीज नहीं होती, अब डाउन साइड पे भी कोई बाउंड्रीज नहीं, नीचे आने की अपसाइड पे भी कोई बाउंड्रीज नहीं है कि भाई अब यहीं तक ही स्टॉक जाएगा फिर खत्म हो गया। इसकी मिसाल मैं हॉलमार्क की दे देता हूँ, तो खैर ये तो बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, 2005 या 2008 की शायद बात थी, ये जब 3 रुपए का था किसी को पता भी नहीं था, और ये खैर ये तो एक मिसाल दे रहा हूँ, मतलब बाउंड्रीज की मिसाल दे रहा हूँ, खैर वो तो एक कॉर्नर हो गया था, वो किसी के पास मेरे ख्याल से शायद होगा भी नहीं, इक्का दुक्का होगा, तो अभी 1100 रुपए के उसके रेट हैं।
तो उसकी बाउंड्रीज कोई नहीं है, कह रहा हूँ ना, मार्केट की स्टॉक की कोई बाउंड्रीज, डाउन साइड पे भी अगर आ रहा है, अगर आपको बहुत अच्छा लग रहा है तो उससे भी आपको डाउन साइड दिखाएगा वो स्टॉक, ठीक है ना। इवन 100 रुपए का भी होगा तो वो आपको 5 रुपए भी दिखा देगा। मैं इसकी भी एक मिसाल बताता हूँ, यूनाइटेड ब्रांड 600 रुपए का था, नीचे आए नहीं, लोगों ने इसको लेते गए लेते गए लेते गए, 35 रुपए तक ले गए, फिर ये 7 रुपए तक आ गया इंटर जो है यूनाइटेड ब्रांड्स। तो ये मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ कि डाउन साइड अपसाइड कोई बॉर्डर कोई बाउंड्रीज नहीं है, तो ये हो सकता है ये मजीद और मार्केट ऊपर जाए। और कहाँ तक जा सकती है, सबसे पहले तो हम CPR का जो है वो लेवल देखेंगे, अपर बैंड जो इस वक्त 73,857 पर है, वो आप राउंड अबाउट ले लें 73,800, 900, इवन 74 पे भी कोई विक बन सकती है, रिजेक्शन आ सकती है। अगर नहीं आती, मार्केट इसी तरह परफॉर्म करती है अपसाइड पे, तो 79,485 ये फिबो के हिसाब से है, ठीक है। एक तो पिविटल होता है रेजिस्टेंस, एक फिबो रेजिस्टेंस होता है, तो 79,485 ये एक फिबो के हिसाब से रेजिस्टेंस है। अगर इसको भी क्रॉस करती है तो मार्केट 84,800 और इवन 87,200 भी जा सकती है। ये मैं आपको सब राउंड फिगर बता रहा हूँ, प्लस माइनस 200, 300, 100 ये हो सकता है। तो बहरहाल मैंने आपको बहुत अच्छा इंडिकेटर बता दिया है, इसको आप फॉलो करें, रेलवे लाइन जिसे हम कहते हैं ट्रेन की पटरी उर्दू में कह लें, और ये हमारी पाकिस्तानी ट्रेन है, कभी पटरी से उतर जाती है कभी चढ़ जाती है, अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह पटरी पे ही चल रही है गाड़ी हमारी। तो इसको फॉलो कर लिया करें, वीकली पे भी डेली पे भी। अच्छा मैं डेली पे भी इसको दिखा दूं आपको, MA5 देखें यहाँ पे, ये यहाँ से नीचे परफॉर्म, इसी तरह इसकी रिफ्लेक्शन हम वीकली चार्ट में देखते हैं, डेली की भी, डेली में भी देखें यहाँ पे, ये MA5 के अकॉर्डिंगली मार्केट परफॉर्म करती है। यहाँ पे देखें कंसोलिडेशन हुई तो ये देखें ना, ऊपर नीचे MA5 के ऊपर फिर नीचे, MA5 के फिर ये नीचे क्लोज हो रही है, इस तरह ये ऊपर नीचे होगा। अब ये इसको इसके रिस्पेक्टिवली मार्केट परफॉर्म कर रही है। आवरली भी हम देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको मैं एक्सपेंड कर दूं, ठीक है ना। आवरली में भी देखें इसी तरह, यहाँ पे देखें कितनी अच्छी तरह परफॉर्म किया, यहाँ पे थोड़ा नीचे आई, यहाँ पे इस जगह पे 69,700 पे, फिर अगेन ये यहाँ पे इसको यहाँ पे डिश किया। ये देखें, मैं बताने का मकसद ये है, जो सीखने वाले देखें, बुलिश बेरिश कैंडल बनती है, डोजी बने एक तो साइडवेज, बेरिश बनी लोग शॉर्ट पे आ गए, नहीं नहीं अब तो मार्केट नीचे आ गई, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, हमेशा जो है वेट करना चाहिए निगेशन का, कंफर्मेशन का, उसके बाद कब आप एंट्री लें। कोई मसला नहीं है, अगर आप 100 रुपए में को आपको यहाँ पे बेरिश मिलता है कि 100 रुपए हो गया, तो आप 100 रुपए भी शॉर्ट ना करें, आप 80 रुपए भी शॉर्ट करेंगे तो भी आपको 20-30 रुपए नीचे मिल जाएंगे, क्योंकि उसकी कंफर्मेशन हो चुकी होती है और बेरिश लेग बन चुका होता है जब तक। तो जब बेरिश लेग में आती है ना, तो लोग इसको कंसिडर कर रहे होते हैं कि नहीं अब ये जो है स्टॉक या मार्केट बहुत डिस्काउंटेड हो गया, यहाँ से लें तो पता चला मार्केट और नीचे आ गई, जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया था कोई बाउंड्रीज नहीं है इसकी। तो इसी तरह अभी तक अपसाइड पे भी कोई बाउंड्रीज नहीं है मार्केट, ऑब्वियसली ये जो अपर बैंड है 73,857, 73,900, 73,800, 700, 900, ये सब जो है प्लस माइनस 200-300 यहाँ पे ही आपको दिखा सकती है मार्केट। चले वापिस वीकली पे हम आ जाते हैं, ठीक है। अब वीकली के हिसाब से मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, डाउन साइड में भी देखें ना यहाँ पे, ये अगर यहाँ पे हम रिजेक्शन देखते हैं 73,800-900 पे, तो फिर ये हो सकता है यहाँ पे आके फिर साइडवेज हो जाए, ठीक है। क्योंकि अब इस वक्त जो ये यहाँ पे बहुत MA5 जो है उसके तकरीबन उसकी सिंक्रोनाइजेशन देखें, पिविटल सपोर्ट जो है वो 69,476 बन रही है, तो ये भी करेक्शन कहलाएगी, इसमें कोई पैनिक वाली बात नहीं होगी, क्योंकि मार्केट इतनी जो है हाई लेवल पर है, तो उसमें वो 5%, 6% भी आना एक नॉर्मल जो है एक प्रैक्टिस होती है इसकी आने की, करेक्शन की। तो जाहिर सी बात है अगर आपको हायर साइड, इसलिए मैं कहता हूँ हायर साइड पे अगर वो स्टॉक लें जो डिविडेंड ओरिएंटेड हो, पी रेशियो उनका देख लें, अगर नीचे भी आते हैं तो उनको आप लें। मैं हमेशा कहता हूँ 25% जो है 20% अपसाइड पे लें, ज्यादा एग्रेसिव बाय ना करें। आप स्टक जब होते हैं, जब एग्रेसिव बाय कर लें तो आपके पास कैश इन एंड नहीं होता है उसको एवरेज करने के लिए, तो कैश इन एंड जरूर रखें और रेशनली बाय करें, वो जिस तरह दूसरे अल्फाज में कहते हैं चंक्स में कह लें, तो स्प्लिट बाइंग कह लें। तो इस वक्त जो है अभी करंट सिनेरियो में मार्केट अभी अच्छी नजर आ रही है, मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बढ़ गया है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैंने हमेशा नोटिस किया है कि कोई भी बेंचमार्क अचीव होता है, जैसे 9.5 ट्रिलियन हुआ था तो थोड़ा मार्केट करेक्ट हुई थी, अभी 10 पे गया है तो मार्केट करेक्ट अपने आप को करेक्शन करेक्ट कर सकती है, करेक्शन उसमें ड्यू है। तो एनी डाउन साइड इज बाय अपॉर्चुनिटी, कोई इसमें घबराने की बात नहीं है। नीचे अगर मार्केट आती है तो वो स्टॉक पिक करें जो ऑलरेडी डिस्काउंटेड है,
डिविडेंड ओरिएंटेड है जिनकी ग्रोथ अच्छी आ रही है। आप रिजल्ट देख रहे हैं माशाल्लाह, काफी कंपनीज की ग्रोथ अच्छी आ रही है, स्पेशली फर्टिलाइजर। देखिए फर्टिलाइजर का मैं पहले भी, आप मेरी वीडियो देख लें, मैं कहता रहा हूँ कि फर्टिलाइजर की हमारी डिमांड 12 महीने रहती है। तो जो भी स्टॉक आता है, अच्छे स्टॉक जो आते हैं नीचे, उनमें पैनिक नहीं होगा, बल्कि उनको और एवरेज क्या करें और नीचे और डाउन साइड लेवल पे जो है और बाय कर लिया करें। तो अभी फिलहाल मैंने आपके साथ ये लेवल शेयर कर दिया है, ठीक है। डाउन साइड पे देखें, ये यहाँ पर भी एक लेवल एक है, क्योंकि ये प्राइस सेक्शन के हिसाब से अगर इसको ये ब्रीच करता है 69,400 का, तो ये वाला लेवल जो है रिटेस्ट हो सकता है। और इसमें भी कोई घबराने की बात नहीं है, 67,147 ये लेवल भी हम रिटेस्ट होता हुआ दे सकते हैं, क्योंकि देखें विक भी बनती है, देखें यहाँ बड़ी विक बनी, तो यहाँ पे भी देखें यहाँ पे वही हैमर बन सकता है इसके और इसके बीच में, बिटवीन 69,400 और 67,100। तो यहाँ कोई विक बन सकती है, ये हैमर बनेगा, इसके बाद मार्केट अपसाइड परफॉर्म कर सकती है आने वाले दिनों में। वॉल्यूम भी देखें तो एज कम्पेयर टू लास्ट वीक बहुत अच्छे वो हैं, वॉल्यूम अच्छे वॉल्यूम के साथ मार्केट ऊपर जा रही है। लास्ट वीक में जो है वो 1.15 बिलियन का वॉल्यूम जनरेट हुआ था, और इस वीक में जो 1.79 बिलियन का वॉल्यूम जनरेट हुआ है। तो कहने का मकसद ये कि ये लोअर ओवर वीक भी खत्म हो गया, इस पर भी हम सोच रहे थे कि ये हो सकता है कि ये मार्केट नीचे आए, तो लग तो ये है कि सेलिंग नहीं हुई, स्विच हुए हैं यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट। अब इसकी सेटलमेंट आएगी मंगल को, तो आपको पता चलेगा मंडे को, सॉरी ट्यूजडे को, ये सेटलमेंट क्या हुई है फ्यूचर्स की, ना लोगों ने डिलीवरी लिए हैं या अभी तक जो है ओपन इंटरेस्ट अभी उसमें उसके अगेंस्ट फेवर में है शॉर्ट के या बाय के, वो बाद में पता चल जाएगा इंशाल्लाह। तो बहरहाल अभी आपने इतना डीपली नहीं जाना है, बस मैंने आपको टेक्निकली ये आपको मैंने रेलवे लाइन बता दी है, आपको कोई मजीद हेडेक लेने की जरूरत नहीं, कोई मजीद ज्यादा वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप इसके इसके फॉलोइंग जो है आप अकॉर्डिंगली आप काम कर सकते हैं। MA5 ये मैंने आपको अच्छा इंडिकेटर बता दिया है, तो इसी को आप फॉलो करें। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज।